हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बालसम के पौधे के बारे में, जिसको लगाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। और ये कटिंग से भी आज लग जाता है और आपका जो है सीड से भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और अगर इसको अगर आप मतलब सीडलिंग करना चाहते हैं तो आप फरवरी मार्च में इसकी सीडलिंग कर दीजिए और 1-2 महीने में जो है इसके प्लांट, 2 महीने तक कम से कम लग जाएंगे फ्रेंड्स, जो है प्लांट तैयार हो जाते हैं फ्लावरिंग के लिए। और इसकी छोटी छोटी सी कटिंग भी तैयार हो जाती है। अगर आपके पास सीड्स नहीं है तो आप इसको नर्सरी से जो है ले आकर, इसके छोटे छोटे प्लांट जो है मिलते हैं तो आप नर्सरी से भी इसके प्लांट ले आके गमले में लगा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था कुछ दिन पहले, मैं नर्सरी से देखी, मैं लेकर आई थी 3 प्लांट, ये देखिए। और ये मेरे बालसम के प्लांट है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि एक छोटा सा बेबी प्लांट मैं लेकर आई थी, इतना छोटा सा प्लांट 10 रुपये में। और इसमें इतनी ग्रोथ देखी, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये वाले में तो इसमें बड्स भी बन गई है, ये यहाँ पर देख रही है, बड्स भी आई हुई है और ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो रहा है। और फूल खिलेंगे तो मालूम पड़ेगा फ्रेंड्स कौन सा कलर है। वैसे तो ये कई कलर में भी आता है, सफ़ेद हुआ, गुलाबी, बैगनी और आपका क्या बोलते हैं लाल, हल्का सा क्रीम कलर, यहाँ 4-5 कलर मैंने देखा है, और भी कलर होंगे तो मुझे पता नहीं जो है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप किसी के अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स किसी के पास अगर ये प्लांट लगा हुआ है तो आप इतनी छोटी सी कटिंग ले आकर गमले में लगा दीजिए, बहुत जल्दी से आसानी से इसकी कटिंग जो है लग जाती है। और नीचे इसके सीड्स भी आते हैं फ्रेंड्स, आप नर्सरी से 10 रुपये का पैकेट आता है तो आप उसकी जो है पैकेट नर्सरी से ले आकर सीड जो है मिट्टी में ग्रो कर दीजिए और कुछ दिन में देखिए आपको नया प्लांट मिल जाएगा। तो बात करें इसकी मिट्टी की फ्रेंड्स, तो इसकी मिट्टी कैसी बनानी है, तो इसकी आप जब भी मिट्टी बनाए फ्रेंड्स तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, मतलब इसकी गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। और मिट्टी बनाते समय इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, फंगीसाइड ये सब डाल के इसकी मिट्टी तैयार कर दीजिए। और जब मतलब इसकी मिट्टी हमेशा सॉफ्ट रहनी चाहिए। और जब भी आप मतलब नर्सरी से अगर प्लांट लेकर आए हैं, अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो इतना ध्यान देना है फ्रेंड्स इसकी जो है मिट्टी, मतलब आप जब प्लांट लगा दें तो ये मिट्टी इसकी हमेशा ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में हमेशा ये देखिए मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। देखिए जैसे मिट्टी है, न ज़्यादा गीली न ज़्यादा वो, अभी तो बारिश हुआ है तो इसकी गीली हो गई है, मतलब सूखनी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा गीला हो गया तो इसकी जो टहनियाँ हैं ये सब आपका पेड़ जो है गल जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर इससे अच्छे से फ्लावरिंग लेना है तो फ्रेंड्स कम से कम इसको तो 4-5 घंटे की धूप तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मतलब फुल सनलाइट का पौधा है। और अगर 4-5 घंटे की धूप नहीं देंगे तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। पौधा तो रहेगा आपके पास में इस तरह से ग्रीन, मतलब ग्रीन ग्रीन बना रहेगा लेकिन फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी क्योंकि कोई भी प्लांट हो फ्रेंड्स अगर फ्लावरिंग लेनी है तो उसको मतलब 4-5 घंटे की धूप तो चाहिए, न 4-5 घंटे की जगह 2-3 घंटे की जो है। तो यही है फ्रेंड्स, ये आप लोग को बताना था। तो इसमें मैं जा रही हूँ सीडलिंग करने, मैं सीड्स लेकर आई हूँ नर्सरी से, तो इसमें मैं सीडलिंग करूँगी। तो अगर आप मेरे भाई बहन जो भी इसको लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से चाहे इसकी पौध ले आकर लगाइए। और नीचे इसके सीड्स आते हैं, अभी भी आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं, आप सीडलिंग कर दीजिए फिर आपके देखिए 2 महीने में आपके जो है प्लांट तैयार हो जाएंगे और फिर इस तरह से वन जो है लगा लीजिए। और एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इसमें रूट बाउंडिंग बहुत होती है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो जो मैंने आपको दिखाई, मैंने स्टार्टिंग में लाई थी, इतनी छोटे से गमले में लगाई थी, फिर बाद में मैंने इस तरह से इसके इस साइज के गमले में चेंज किया, लेकिन परसों मैंने आपको दिखा रही है बड़े गमले में डाल दिया क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं बाहर निकल रही थी, ये फैलता है और इसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है। तो बस ये फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप इसको लगाना चाहते हैं चाहे अपने तरह से इसके सीड्स ले आके लगाइए, और नहीं तो आप जो है इसकी पौध अगर मिलती है 10-10 रुपये में पौध भी ला सकते हैं, जो आपको मतलब अच्छा लगे आप उस तरीके से आप जो है ले आके लगाइए। और इस समय देखिए मेरे बिस्किट्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और सुबह से मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ी हूँ लेकिन मैं बना नहीं पा रही। जब भी मैं गार्डन में आती हूँ तो हल्की हल्की धूप में मतलब बूंदाबांदी चालू हो जाता है। और यहाँ ये देखिए वो पिंक वाला, तो बस ये फ्रेंड्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी भी इसको ले आके चाहे आप सीड्स लगाइए और नहीं तो आप छोटी जो है इसकी पौध ले आके लगा दीजिए। बस उसका मिट्टी पर थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मिट्टी हमेशा उसकी बेल्ट्रेन बनाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर।